हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ जी बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8, वट इज़ द नंबर। हाँ जी बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर है, उस नंबर में से हम 1/2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/8। तो हाँ जी बेटा, हम वो नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें जो भी फाइंड करना होता है हम उसे एक्स लेट करते हैं, हमने नंबर लेट कर लिया एक्स। आपको क्या कह रहा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, हम उस नंबर में से एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2। अब जो ये रिजल्ट आया है एक्स माइनस 1/2, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से। हमें कह रहा है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट इक्वल टू 1/8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो हमारा रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 1/8 के। ये आपके पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले इधर 2 है, ये डिवाइड हो रहा है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब देखिए, इधर एक्स हमें रखना ही है, यहाँ 1/2 माइनस हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/4। तो हमारा जो नंबर रिक्वायर था वो नंबर क्या होगा, 3/4। यही क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या गिवन है, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, 2 मीटर मोर देन है। तो हम पहले ब्रेथ एक्स लेट कर लें। हाँ जी स्टूडेंट, हम ब्रेथ क्या लेट करते हैं कि ब्रेथ एक्स है। अब जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है, 2x+2, ट्वाइस से भी 2 मोर देन है। हमने लेंथ एक्स लेट कर ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ है, हमने ब्रेथ सॉरी हमने ब्रेथ ले ली इसकी एक्स मीटर, तो हमारे पास लेंथ क्या आएगी, लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के और 2 मोर देन भी है, तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, 2x+2। अब आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2l+b। तो आपके पास 2l+b इक्वल टू 154 मीटर। यहाँ हम लेंथ की वैल्यू भी पुट करते हैं, 2x+2, ब्रेथ है एक्स इक्वल टू 154। अब आप देखिए, पहले हम ब्रैकेट से बाहर जो ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2x+x, 3x+2। अब आप देखिए, 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा। अब इधर ये प्लस का 2 है, जब राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x=75, x=75/3, x=25। अब आपके पास जो स्विमिंग पूल था
उसकी लेंथ आपके पास क्या आएगी, लेंथ थी आपकी 2x प्लस 2, 2 × 25 प्लस 2, 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर, और इसकी ब्रेथ x थी वो कितना आ जाएगी 25 मीटर। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95। आपको कहता है कि टू नंबर का सम है वो कितना है 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे दूसरा जो आप नंबर लोगे वो पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा लेना है, फाइंड द नंबर, तो आपको कहते हैं कि वो नंबर फाइंड आउट करो। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 15 ज़्यादा है, तो मैंने फर्स्ट नंबर लेट किया x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों नंबर का सम है वो किसके इक्वल है 95 के, तो देखो फर्स्ट नंबर हमारा x, सेकंड नंबर x प्लस 15 इक्वल टू 95। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 80। यहाँ से हमारे पास x का रिजल्ट क्या आ जाएगा 40। अब आपके पास x फर्स्ट नंबर आपके पास 40 है, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से क्या है 15, आपके पास कितना था 15 आपसे ज़्यादा वो बोला था ना, तो यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ 15 आएगा। 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। फर्स्ट नंबर जो हमने लेना था सेकंड नंबर उससे 15 ज़्यादा था, और दोनों का सम किसके इक्वल था, दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल दे रखा था 95 के इक्वल। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हमें कह रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशो 5:3। हमने ऐसे टू नंबर लेने हैं जिनका रेशो क्या है 5:3 है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकंड नंबर 3x। हमने टू नंबर लेट कर लिए, फर्स्ट नंबर 5x एंड सेकंड नंबर 3x। इफ़ दे डिफरेंट बाय 18, इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमने क्या लेना है 18 लेना है, तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों का माइनस, तो देखिए फर्स्ट नंबर 5x सेकंड नंबर 3x इनको माइनस करेंगे, डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 18। 5x माइनस 3x क्या आता है 2x इक्वल टू 18, यहाँ से x इक्वल टू 18/2, x इक्वल टू क्या आएगा 9। अब आप देखिए इसका फर्स्ट नंबर 5x था तो 5 × 9 = 45, सेकेंड नंबर 3x था 3 × 9 = 27। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। देखो हमने कंजुगेटिव इंटीजर लेने हैं, कंजुगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, फर्स्ट के बाद ही दूसरा आए, दूसरे के बाद ही तीसरा आए, हमने तीनों इंटीजर पड़ोसी लेने हैं, ऐसे कंटिन्यू होने चाहिए, तो हम फर्स्ट लेते हैं x, सेकंड हो जाएगा x+1, थर्ड हो जाएगा x+2। हमने 3 कंजुगेटिव इंटीजर लिए हैं, फर्स्ट x, सेकंड x+1, थर्ड x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इन तीनों का सम कितना दे रखा है 51। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड x वाले ऐड करते हैं, x + x + x 3x, 1 + 2 = 51। अब ये 3 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x = 48, x = 48/3, x = 16। अब हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा 16, सेकंड इंटीजर 16+1 = 17, थर्ड इंटीजर 16+2 = 18। तो हमारे पास देखो ये 3 कंजुगेटिव इंटीजर आए हैं 16, 17, 18। हाँ जी बेटा, आज हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है, कल नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन हम करेंगे।
आज आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपको फिर भी कहीं डाउट हुआ तो हम जूम क्लास में आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।